नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। फिलहाल भाकिस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में किसानों की फसलों का उचित सर्वे नहीं किए जाने के विरोध में कलेक्ट्रेट के समीप धरना। दरअसल शुक्रवार दोपहर 1 बजे कलेक्टर कार्यालय के समीप भारतीय किसान संघ जिलाध्यक्ष मंशा राम पंचोले ने बताया कि पूर्व में तेज हवा आंधी होने पर किसानों की फसलें खराब हो गई थी। वहीं हाल ही में तेज हवा आंधी और बारिश से किसानों की फसल और भी खराब हो गई है। वहीं शासन स्तर पर ठीक तरह से नुकसानी का सर्वे नहीं किया गया, जिसके विरोध में एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर कलेक्टर कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी के साथ संजय बामनिया की रिपोर्ट। सबसे ज्यादा नुकसान मक्का का है और मक्का अभी हर गांव में सभी किसानों ने मक्का नहीं लगाया। हर सर गेहूं का गेहूं का नुकसान क्यों नहीं हुआ सर? चमक चल जाए बात कर रहे हैं, उसकी उसका जवाब दे। ये तो बता रहे हो ना आप जो कह रहे हो वो मतलब एक गांव के एक पूरी रिपोर्ट बनती है कि कितने किसानों का नुकसान हुआ। कितने सर्वे होता है पटवारी ग्राम सेवक पंचायत कर्मी और गांव के दो पंच और चौकीदार। आप कह रहे हो कि आपके यहां अपने यहां की रिपोर्ट गई ज्ञापन भाई साहब इसलिए दिया था कि जो 10,000 का कपास बिक रहा था वो 7-8 हज़ार रुपये में बिक रहा है, जो गेहूं 3,000 रुपये में बिक रहा था 2,021 रुपये में बिक रहा है, और जो अभी बेमौसम बारिश हुई है उससे कई तरह की हमारी फसलें खराब हुई है। मक्का है, गेहूं है, चना है, उद्यान की फसलें हैं, मतलब सब्जियों की, वो सब खराब होने की कगार पे है। जिला प्रशासन ने अभी तक सर्वे किया भी है तो कुछ खेतों में ही पहुंचे हैं। इनको लेकर आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में यही है कि जल्द से जल्द सर्वे कराकर RBC 6-4 के तहत सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दिया और जिन जिन किसानों को बीमा है उनको बीमा दिया जाए। एडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द हम सर्वे कराकर उचित कार्रवाई करके हम ऊपर भेज देंगे। उससे हमेशा आश्वासन मिलता है, किसान परेशान है, लगातार बारिश माल ओलावृष्टि वही उपज के भाव नहीं मिल रहे, इसको लेकर क्या? उपज के भाव तो ओरिजिनल में जो होना था वो नहीं मिल रहे, कम से कम 3,000 रुपये क्विंटल गेहूँ बिकना था वो आज नहीं बिक रहा है, सोयाबीन है, मक्का है, ये सब सारी चीज़ें कम भाव बिक रहे, और जो कपास मुख्य फसल की मड़वानी जिले की होती है वो कई किसानों के खेतों में घरों में ही रखी हुई है, जो 10,000 के लालच में अभी किसानों ने अपने घर पर रख रखी है। 10,000 बिकने वाला कपास 7,000 रुपये में बिक रहा है। कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियों के कारण जो गेहूँ अभी मार्केट में जो उतार दिया गया है खुले बाजार में उतारने के कारण आज गेहूँ 3,000 में बिकने वाला 2,021 रुपए में बिक रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।